हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अवनीश वाजपेयी, डायरेक्टर हिस्टोरिका, आपका अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्रस्तुत है आज का एपिसोड जो कि आपको देता है डेली न्यूज अपडेट्स, करेंट अफेयर्स और उस पर्टिकुलर डे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि संभावित हो सकते हैं अगले कुछ एग्जाम्स में। और ये क्वेश्चन 100% आपके लिए यूजफुल और इम्पोर्टेंट है। तो बगैर देरी करते हुए शुरू करते हैं, आइए आज की एपिसोड्स। आज के एपिसोड्स में सिर्फ आपके पास 8 क्वेश्चंस हैं। आज है तारीख 24। आज का इतिहास अगर मैं बताऊं तो आज इम्पोर्टेंट है पूना पैक्ट। आज ही के दिन पूना पैक्ट साइन हुआ था महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच में, जिसमें दलितों और जो अस्पृश्य जाति है उनके लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई हुई थी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज ही के दिन 2014 में भारत ने मंगलयान जो आपका मिशन छोड़ा हुआ था उसने चक्कर लगाना शुरू किया हुआ था। तो दो इम्पोर्टेंट आपका आज के डेट की घटनाएं हैं। स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जस्ट सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आपको हमेशा जो भी हम लोग इम्पोर्टेंट आपके लिए इंफॉर्मेशन अपलोड करते हैं आपको उसकी इंफॉर्मेशन टाइमली मिलती जाए। थैंक यू आपको सब्सक्राइब अगर आप कर रहे हैं तो रिकमेंड करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। पहला सवाल आज के लिए, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भाग लेने वाली 16 वर्षीय एक्टिविस्ट जिसने UN महासचिव के सामने अपने सवाल और चिंताएं रखी, इनका नाम क्या है। अब आपके सामने जो ये सवाल आ रहा है, ये डियर स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको यहां पर थोड़ा सा हिस्ट्री समझ लेनी है कि कौन आपका यहां पर एक लड़की जो कि मात्र 16 साल की है और ये लड़की है, इसका नाम है ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा थनबर्ग, जी हाँ, सही सुना आपने, ये लड़की है स्वीडन की। आपको पता है स्वीडन जिसकी की कैपिटल यानी राजधानी है स्टॉकहोम और जिसकी करेंसी यानी है क्रोनर। ये 16 साल की है मात्र। इसको नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी 2018 में नॉमिनेट किया गया था, हालांकि नोबेल पुरस्कार इसको शांति का मिला नहीं था, लेकिन नॉमिनेटेड थी। और इसने स्वीडिश संसद के बाहर पर्यावरण को बचाने के लिए अपने स्कूल स्ट्राइक तक कर दी, यानी स्कूल तक नहीं गई और पर्यावरण को बचाने के लिए स्वीडिश संसद के बाहर इसने आपका धरना प्रदर्शन दिया। ये बच्ची आपका जब अभी नरेंद्र मोदी जी अभी हाल ही अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान संयुक्त राष्ट्र में संबोधित करने वाले थे जलवायु परिवर्तन क्लाइमेटिक चेंज के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस को, उसके पहले आपका इस लड़की ने सवाल जवाब किए। इसने दुनिया भर के नेताओं से अपील की कि अगर आप इस पृथ्वी को आने वाले जो खतरे हैं उनसे बचा नहीं पाएंगे तो जो हम आपके अंदर जो एज बीइंग द चाइल्ड जो हमारी आपसे अपेक्षाएं हैं वो सारी अपेक्षाएं खत्म हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका नाम है इस एक्टिविस्ट यानी कार्यकर्ता का, ये कार्यकर्ता का नाम है ग्रेटा थनबर्ग, रहने वाली है कहां की, स्वीडन की। आते हैं अगले सवाल के ऊपर। भारत और अमेरिका के बीच होने वाले पहले ट्राई सर्विस यानी सैन्य अभ्यास का नाम क्या है। तो ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, भारत और अमेरिका के बीच में अभी आपका जो अभ्यास होने जा रहा अगले महीने यानी नवंबर 2019 में, इसका नाम है टाइगर ट्रम्प्स। यस, ऑप्शन सी, टाइगर ट्रम्प्स। और ये आयोजन होगा हमारे देश में आंध्र प्रदेश में। और भारत और अमेरिका दोनों अभी राजी हुए जब अभी डोनाल्ड ट्रम्प और मोदी जी ने आपका इसको डिक्लेयर किया एक ज्वाइंट मीटिंग में। और इस तरीके से भारत और अमेरिका के जो सैन्य रिश्ते वो और परवान चढ़ेंगे और इनको आपस में परस्पर सहयोग मिलेगा। आते हैं आज के तीसरे सवाल पर। कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसने ये कहा हुआ कि भारत में जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनमें से कुल मृत्यु दर में 2/3 बच्चे कुपोषण के कारण मर जाते हैं। दुनिया भर में आपका सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे जो है वो भारत में ही पाए जाते हैं। अब भारत में करीब 10 लाख आपका मौतें होती, यानी 1 मिलियन मौतें होती हैं
ऐसे बच्चों की जिनकी उम्र 5 साल से कम। जी हाँ, 1 साल में करीब करीब 10 लाख बच्चे ऐसे उनकी मृत्यु होती जिनकी उम्र 5 वर्ष से कम है। और इनमें जो अग्रणी राज्य हैं वो बीमारू राज्य, बीमारू राज्य में यानी बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, ऐसे बीमारू राज्य, उनमें बच्चों के अंदर न्यूट्रिशंस यानी जो पोषित चीजें हुए उनकी बहुत कमी पाई जाती है, बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। और ये जो मौतें होती हैं करीब 10 लाख, उनमें से करीब 2/3 मौतें यानी करीब 7 लाख के आसपास मौतें भारत में बच्चों की जो होती हैं 5 वर्ष से कम की उम्र, सिर्फ कारण होता है कुपोषण, यानी उनको सही पौष्टिक खाना नहीं मिलता। और ये रिपोर्ट आपका दी हुई किसने, लैंसेट, जो कि बी ऑप्शन में है। तो ध्यान रखिएगा इस रिपोर्ट का जो सूत्र या रिपोर्ट जिसके हवाले से कही गई वो संस्था है कौन सी, लैंसेट। आते आज के चौथे सवाल पर, कौन सी ऐसी महिला खिलाड़ी है जिसको फीफा ने बेस्ट प्लेयर 2019 का खिताब दिया। तो सही जवाब है ए ऑप्शन, मैगन रैपिनो। ये मैगन रैपिनो अमेरिका की आपका महिला फुटबॉल खिलाड़ी है। इन्होंने आपका जब विश्व कप हुआ यानी वर्ल्ड कप हुआ, फुटबॉल वर्ल्ड कप, उसमें इन्होंने 6 गोल दागे थे और गोल्डन बूट अवार्ड भी इनको मिला था। ये 6 गोल दागने के साथ टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल दागने वाली खिलाड़ी थी। और अमेरिका ने आपका इन्हीं के गोल की बदौलत जो विश्व कप है उसको जीतने में सफलता अर्जित की। तो ध्यान रखिएगा फीफा का बेस्ट प्लेयर 2019 का खिताब जो महिला, किस महिला खिलाड़ी दिया गया, तो अमेरिका की है मैगन रैपिनो। और तुरंत बाद का सवाल अब की बार मेल प्लेयर के लिए है। यहां पर आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि किस पुरुष खिलाड़ी को फीफा ने बेस्ट प्लेयर 2019 का खिताब मिला। तो बहुत ही आपका जाना पहचाना नाम है, मेसी। जी हाँ, बी ऑप्शन, लियोनेल मेसी। आपको पता है मेसी अर्जेंटीना के आपका प्लेयर है, फॉरवर्ड प्लेयर है और ये कैप्टन भी है जो स्पेनिश क्लब बार्सिलोना है, स्पेन में है, जिस क्लब की तरफ से खेलते हैं बार्सिलोना क्लब की तरफ से उसके कैप्टन है, साथ में अपने देश यानी अर्जेंटीना की जो राष्ट्रीय टीम है उसके भी कैप्टन है मेसी। जो अगर हम बात करें तो मेसी 6 बार ये पुरस्कार जीत चुके, यानी फीफा द्वारा जो बेस्ट प्लेयर डिक्लेरेशन है मेसी को 6 बार ये पुरस्कार मिल चुका है। जो पहला ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि ब्राजील के प्लेयर है, इनको 5 बार ये खिताब मिल चुका, जबकि मोद्रोचिच इनको आपका इन्होंने पिछली बार 2018 में ये पुरस्कार जीता। तो ध्यान रखिएगा 2019 का जो फीफा बेस्ट प्लेयर 2019 खिताब है ये मिला हुआ है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि नवजात बच्चों को आनुवंशिक यानी जेनेटिक्स बीमारियों से बचाने के लिए परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय जिसके कि मिनिस्टर है आपको पता है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, इन्होंने किस पहल का शुभारंभ किया। तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने डी ऑप्शन UMMID का शुभारंभ किया। UMMID है क्या, इसको निदान के नाम से भी जानते हैं। UMMID का फुल फॉर्म है डियर स्टूडेंट्स, U for unique method of management and treatment of inherited disorder. Unique method of management and treatment of inherited disorder. इसका शुभारंभ किया हुआ है डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। और देश में आपका 115 जिलों में स्वास्थ्य सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे जहां पर जितने भी न्यू बॉर्न बेबी हैं उनके माता पिता को अवेयर किया जाएगा, जागरूक बनाया जाएगा और ऐसे केंद्रों को जाना जाएगा निदान केंद्र के नाम से। अगला सवाल आता है सातवां, लद्दाख के किस नृत्य को हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे बड़े लद्दाखी नृत्य के रूप में शामिल किया गया। लद्दाख का जो नृत्य है वो सोडोल नृत्य, ए ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। इसको राजशाही राशि नृत्य भी कहा जाता है। राशि नृत्य कहे जाने के पीछे का कारण है क्योंकि सोडोल को स्थानीय कलाकार जो लद्दाख के होते थे वो राजा के लिए प्रस्तुत करते थे, इसी वजह से ये राजशाही नृत्य भी कहलाता है। इस बार लद्दाख में करीब 408 नृत्यकों ने अपनी वहां की पारंपरिक वेशभूषा में इसकी प्रस्तुति दी और ये सबसे लंबा नृत्य रहा, इस वजह से इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। तो ध्यान रखिएगा शोडोल कहां का नृत्य है, ये लोक नृत्य है लद्दाख का जिसको राजसी नृत्य भी कहा जाता है। आठवां और आज का अंतिम सवाल है, यूनिसेफ ने बच्चों के भविष्य के प्रति कितने क्षेत्रों की चुनौतियों की पहचान कर उन क्षेत्रों में सुधार की मांग की हुई है। तो यूनिसेफ जो कि आप पता है इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन,
इसने आठ क्षेत्रों की पहचान की। जी हाँ, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, आठ क्षेत्रों की पहचान की। इन आठ क्षेत्रों में तमाम क्षेत्र जैसे प्रदूषण है, जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेटिक चेंज है, प्रवासन, इमिग्रेशन, आज के टाइम बहुत बड़ी समस्या है इमिग्रेशन की, दुनिया भर में लोग सुरक्षित और नौकरी के लिए आपका ठिकाने ढूंढ रहे हैं, अपना देश छोड़ रहे हैं, नई जगहों पर जा रहे हैं, तमाम लोग ऐसे में नागरिकता विहीन हो जा रहे हैं, मानसिक अस्वस्थ हो जा रहे हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, गलत ऑनलाइन सूचनाएं बहुत बड़ा एक कारण है, और ऑनलाइन सुरक्षा। यूनिसेफ ने इस बार बोला कि वर्तमान में जो इंटरनेट और ऑनलाइन माध्यम है, इनसे जितनी भी सूचनाएं मिलती हैं, गलत सूचनाएं, वो खासतौर पर बच्चों को उत्पीड़ित करती और दुर्व्यवहारित करती हैं। तो यूनिसेफ ने जो आपका एरिया शॉर्ट आउट किए, उनकी संख्या कुल कितनी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आज के यानी 24 सितंबर के लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, एक बार इनको फिर से देख लीजिएगा। और आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।